हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जेपी सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम परसेंटेज कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। तो आज है हमारा परसेंटेज का पार्ट टू, जिसमें जानते हैं बेसिक लेवल के कुछ और क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या का 50% 200 है। तो दोस्तों, इसको हम ट्रिक से भी करेंगे और कॉन्सेप्ट से भी। तो अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो यहाँ पे 50% किसी भी संख्या का 50% बराबर कितना दिया हुआ है, 200। अगर 50% बराबर है 200, तो 1% बराबर हो जाएगा 200 बटे में किसके, 50। और हमारे को निकालना है वो संख्या। संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज जो है दोस्तों, वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर बात करें प्रिंसिपल की भी, तो वो भी 100% होता है। अगर क्रय मूल्य की बात करते हैं, सीपी की बात करते हैं, तो वो भी 100% होता है। मतलब कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर एक इंसान की बात की जाए तो वो भी कितना होता है, 100% ही होता है। कुछ कमी हो जाए वो अलग से है। तो दोस्तों, क्या है, तो यहाँ पे 50% बराबर दिया हुआ है 200 के, 1% हमेशा होता है कम, 1% 50% से कम है, तो 200 बटे में क्या करेंगे, 50। और हमारे को निकालना है वो संख्या, मतलब क्या निकालना है, 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 200 बटे में 50 गुणा में 100। तो दोस्तों, यहाँ पे जीरो से हमारा जीरो कटता है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 200 दूनी 400। तो संख्या क्या जाएगी हमारी, 400। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसको अगर हम फ्रैक्शन से करना चाहें, तो 50% की जो फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1/2। फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/2। इसका मतलब इसका जो पार्ट दिया हुआ है, इस दो का जो है एक पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट कितना दिया हुआ हमारे पास, 200। अगर एक पार्ट 200 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, दो पार्ट है तो गुणा में क्या कर देंगे, 2। तो 200 गुणा में 2 कितनी हो जाएगी, संख्या आएगी हमारी 400। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। दोनों है अपनी ट्रिक। अगर हम कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो क्या बोलता, किस संख्या का 50%। संख्या तो पता नहीं हमारे को, संख्या पता नहीं तो मतलब क्या है, x का 50% मतलब 50/100 बराबर कितना दिया हुआ है, 200। तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 जो है वो जाएगा 200 के साथ, तो 200 दूनी 400। एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 400। तो दोस्तों, ये दोनों है ट्रिक, ट्रिक मान सकते हो, इसको भी आप कॉन्सेप्ट मान सकते हो, क्योंकि 50% दिया हुआ है और 100% ज्ञात करना है। और 50% अगर फ्रैक्शन से निकालेंगे तो ये है अपनी ट्रिक, बहुत ही शॉर्टेस्ट। तो दोस्तों, इसी टाइप का हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं यहाँ पे किसी संख्या का 60% दिया हुआ है, किसी संख्या का मान लेते हैं 60% दिया हुआ है, 60% कितना है, 30 है, तो वो संख्या बताइए। तो हमारे को पता है भाई, 60% जो है वो कितना है भाई, 60% बराबर है 30 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 30/60 के, किसके बराबर हो जाएगा, 30/60 के। हमारे को निकालनी है संख्या, संख्या अपने आप में होती है 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 30/60 गुणा में क्या हो जाएगा, 100 गुणा में क्या हो जाएगा, 100। 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, 50 दूनी 100। तो संख्या जो है वो आ जाएगी हमारी कितनी, 50। अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करना चाहें, 60% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 3/5। 60% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो वो होती है 3/5। इसका मतलब तीन पार्ट जो हैं वो किसके बराबर हैं, 30 के। तीन पार्ट जो हैं वो दिए हुए हैं 30 के बराबर। तीन पार्ट अगर 30 के बराबर है तो एक पार्ट जो है वो बराबर हो जाएगा 30/3 के। और हमारे को निकालने हैं कितने, 5 पार्ट। तो 5 पार्ट की वैल्यू जो है गुणा में क्या आ जाएगा, 5 3 दाया 30 10 5 50। संख्या क्या आएगी हमारी, 50। इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से निकालना चाहें तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स का, कोई भी संख्या हमारे को पता नहीं है, एक्स का 60%। 60% का मतलब होता है 50 बराबर दिया हुआ है कितना, 30। तो जीरो से जीरो कटता है हमारा, यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 5 10, 50। यहाँ पे बचा एक, तो x बराबर ये 50 जो है एक के साथ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 50। ये है अपना कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आप परसेंटेज के जो क्वेश्चन है, कितनी भी ट्रिक बना सकते हैं, कितना भी आसान कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास दिया हुआ है किसी संख्या का
40% जो है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना है 80 है, 40% 80 है, तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है 80, 1% बराबर हो जाएगा 80 अपॉन में 40, हमारे को निकालना है 100%, 100% तो गुणा में क्या कर देंगे 100, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 200, यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर फ्रैक्शन की बात करें 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/5, इसका मतलब दो पार्ट की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमारे पास 80, तो एक पार्ट की जो वैल्यू है, एक पार्ट की जो वैल्यू है वो आएगी 80/2 बराबर कितनी 40, और हमारे को चाहिए पांच पार्ट की वैल्यू, तो गुणा में 40 कर देंगे, गुणा में क्या करेंगे 40 40 5 200, यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 44% 275 है, किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 64% कितना होगा, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। तो दोस्तों हमारा सेम मेथड वही रहेगा, 44% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई हमारे को 275, 44% बराबर है 275, 1% बराबर आएगा 275/44, हमारे को यहाँ पे 100% नहीं निकालना दोस्तों, क्या निकालना है 100% नहीं निकालना है, हमारे को पूछा हुआ है उस संख्या का कितना 64%, अगर 64% की बात की जाए, 64% की बात की जाए तो गुणा में क्या कर देंगे 64, क्योंकि 64 जो है एक से ज्यादा, तो गुणा में क्या हो जाएगा हमारा 64, अभी ये कटता है 4 से काटते हैं तो 11 चौके 44, 16 चौके 64, 11 दूनी 22, 5 11 5 55, ये आएगा 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40 कितना आएगा 400, ये हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। क्या दिया हुआ था 44% बराबर 275 के, 1% बराबर होगा 275/44, 64% निकालना है तो गुणा में 64, अगर सोल आउट करते हैं तो आता है हमारे पास 400। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट टाइप बनता है उसमें दिया हुआ क्या है 20 कितना प्रतिशत है 200 का, जो सेकंड जो अपना नेक्स्ट टाइप बनता है पूछा हुआ है 20 कितना प्रतिशत है, 20 कितना प्रतिशत है 200 का। अभी दोस्तों हमारे से पूछा हुआ है पूरी जो संख्या है वो तो हमारे पास 200 है और उसका जो एक हिस्सा है वो क्या है 20 है। मैं आपको पहले ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों, 200 का जो एक हिस्सा है, एक पार्ट है वो कितना है 20 है, तो हम इसको जो पार्ट आता है वो हमारा ऊपर आता है, किसका है भाई वो पार्ट 200 का है, बटे में क्या करेंगे 200, गुणा में क्या करेंगे 100, तो कितना प्रतिशत है 20 से 20, 2 एकम 2, 2 दायां 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 10%, 200 का 10% क्या है 20 है, ये हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का कितना प्रतिशत है इसका, अगर उल्टी बात करें तो 200 का कितना प्रतिशत है 20, यही तो पूछा हुआ है, तो 200 का मान लेते हैं 20 जो है वो x प्रतिशत है, 200 गुणा में x/100 बराबर कितना है 20, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 से 20 कटती है, 2 एकम 2, 2 दायां 20, एक्स की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास 10, तो एक्स बराबर है 10%, इसका मतलब 20 जो है 200 का कितना है 10% है। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का हम देख लेते हैं, हमारे से पूछ लिया 40 कितना प्रतिशत है 500 का, 40 कितना प्रतिशत है 500 का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड जो क्वेश्चन है इस टाइप में 40 कितना प्रतिशत है 500 का क्वेश्चन ये है दोस्तों अपना, क्या है 40 जो है वो कितना प्रतिशत है 500 का। तो दोस्तों क्या है पूरी जो संख्या है, पूरी जो संख्या है हमारे पास क्या है 500, और उसका जो एक पार्ट है, उसका जो एक हिस्सा है वो क्या है हमारे पास 40, हिस्सा जो है वो क्या है हमारे पास 40, तो हम लिख सकते हैं जो हिस्सा, जो पार्ट जो होता है वो हमारा आता है ऊपर, 40/ क्या लिखेंगे 500, गुणा में क्या है 100, 20 से 20, 5 एकम 5, 5 8 40, तो 40 जो है वो 500 का कितना है 8% है। दोस्तों ये अपना सेकंड टाइप चल रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल के हमारे क्वेश्चन है। आगे हमारे से पूछ लिया 21 से ही 1/4, 21 से ही
एक बटे चार कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 25 का, कितना प्रतिशत है 25 का, ये हमारे से पूछा हुआ है दोस्तों, हमारे से पूछा हुआ है। मतलब संख्या जो है वो है हमारी कितनी 25, और उसका जो एक पार्ट है वो कितना है 21 से ही 1/4। तो ये होता है 21 चौके 84 एक 85, 85/4 जो है वो कितना है 25 का। तो इसका क्या निकालना है, हमारे को प्रतिशत निकालना है, तो गुणा में क्या कर देंगे हम 100। तो अगर इसको और सोल्व करते हैं तो 85/4 गुणा में क्या आएगा 25, और ऊपर गुणा में है 100, तो इससे 25 चौके 100 से 100 कटेगा तो आएगा 85%। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड टाइप, बिल्कुल ही इजी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया 300 का कितना प्रतिशत 225 है, 300 का कितना प्रतिशत 225 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूछा हुआ है 300 का कितना प्रतिशत 200 है, 300 का कितना प्रतिशत 200। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये संख्या जो है वो अपनी पहले आ गई, अभी ये पूछ रहा है जो ये जो 200 जो है वो संख्या है, जो इस संख्या 300 का है वो कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 200/300 गुणा में क्या हो जाएगा हमारा 100, 20 से 20 यहाँ पे आएगा हमारा 66/2/3%, कितना आ जाएगा 66/2/3%। तो दोस्तों आगे हमारे से पूछ लिया 400 का कितना प्रतिशत 100 है, 400 का कितना प्रतिशत 100 है, 400 का कितना प्रतिशत 100 है, 100 के बारे में संख्या है 400 और 100 है उसका एक हिस्सा, तो 100/400 गुणा में क्या करेंगे 100, 20 से 20 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 25%। इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, क्या है जैसे यहाँ पे 400 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं, 400 का x प्रतिशत है, कितना है x प्रतिशत जो है वो कितना है 100 है, तो 20 से 20 4 × 4 25 चौके 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25%। तो दोस्तों ये थे अपने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी देखते हैं अपना, तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन की इसी सीरीज में अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो दोस्तों इसको अगर हम करना चाहें तरीके से तो क्या निकालेंगे, पहले 300 का 25%, 300 का अगर 25% निकालेंगे तो 25/100 25 × 75 कितना आया हमारा 75। अभी इस 75 का भी कितना निकालना है हमारे को 20% निकालना, तो 75 गुणा में क्या लिखेंगे 20/100 20 × 1 = 20 × 5 = 100 और 15 × 75 कितना आ जाएगा 15। आंसर जो है वो आएगा हमारा 75। अगर इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहें 300 का 25%, 300 का जो 25% है वो होता है 1/4, और इसका भी कितना निकालना है हमारे को 20%, वो होता है 1/5। मतलब गुणा ही तो होनी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 300 गुणा में 125, 300 गुणा में 25/100 और गुणा में क्या था 20%, 20/100। बात वही है, क्योंकि का जो मतलब होता है वो क्या होता है गुणा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 300 का 1/4 गुणा में क्या है 1/5, फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये हो जाएगा हमारा 300/20 कितना हो जाएगा 305/20 0 से 0 15 × 30 कितना आ जाएगा, आंसर वही हमारा आएगा 15। तो यहाँ से जो आंसर आया है वो 15। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रहे। जैसे हमारे से पूछ लिया 500 का, जैसे हमारे से पूछ लिया 500 का 125% का 20% क्या होगा, का 20% क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम है, अगर आपको क्वेश्चन को छोटा करना है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 500 है 125% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो वो आएगी हमारे पास 5/4, और 20% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो वो आएगी 1/5। 125% की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 125/100 25 × 100 25 × 5 = 125 कितना आएगा 5/4। अगर आपने फ्रैक्शन याद कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 20% का निकालेंगे तो 20/100 कितना आएगा 1/5। तो अभी यहाँ पे 5 से तो हमारा 5 कटता है, बचा हमारे पास 500/4, क्या बचा 500/4, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 4 यहाँ पे बचा हमारे पास
एक चार दूनी आठ चार पंच बीस कितना आ जाएगा 125, यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अपना जो इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये हमारे से पूछ लिया 100 का 20% का 10% बताइए। 100 का 20% का 10% बताइए, क्या बताना है 10%। तो क्या लिखेंगे 100 गुणा में 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी कितनी, 1/5, और जो 10% है उसकी होती है 1/10। तो 0 से तो 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर जो है वो आया हमारा कितना 2। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। आप कर सकते हैं 100 गुणा में 20% गुणा में 10%, मतलब क्या लिख सकते हैं 100 गुणा में 20 गुणा में 10 बटे में क्या है, इसके भी परसेंट है, इसके भी परसेंट है, तो बटे में हो जाएगा दोनों का जो परसेंट 100 इसका और 100 इसका कितना हो जाएगा 10,000। तो 20 ये कटी हमारी, 20 ये वाली कटी, बचा हमारे पास क्या 2। तो दोस्तों आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों इसी सीरीज में अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, बढ़ोतरी एर और बढ़ोतरी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, पूछा हुआ है। तो बी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर बताता हूँ ट्रिक से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से अधिक है, तो मान लेते हैं बी का जो वेतन है वो है 100 रुपये, बी का जो वेतन है वो है 100 रुपये, तो ए का जो वेतन है वो इससे कितना अधिक है, 20% अधिक है। ये दिया हुआ है ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 20%। तो 100 का अगर 20% निकालते हैं तो आएगा 20, इसका मतलब ए का जो वेतन है वो बी से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो टोटल हो जाएगा 120। अभी हमारे से पूछा हुआ है दोस्तों तो बी का वेतन ए के वेतन से, बी का जो वेतन है, बी के बारे में बात कर रहा है, बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है, 20 रुपये कम है, किसके ऊपर कम है, ए के वेतन से तुलना की हुई है, तो इससे तुलना कर रखी, मतलब ए से तुलना कर रखी, तो मतलब 20 की जो वैल्यू हम निकालेंगे 120 पे निकालेंगे। क्या पूछा हुआ है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है, 20 कम है, किसके ऊपर कम है, 120 के ऊपर कम है, बटे में क्या लिखेंगे 120, गुणा में क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100, 20 एकम 20, 20 छिका 120, तो आएगा हमारे पास कितना आएगा, इसकी जो फ्रैक्शन है वो आती है 16 से ही 2/3%, 16 छिके 96 और ऊपर बचेगा 4, 4/6 तो 2/3, 2/3%। तो अभी हमारे से यही पूछा हुआ था, तो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 16 से ही 2/3% कम है। तो दोस्तों शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर हम ट्रिक से करते हैं तो क्या बोलते हैं कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, अधिक के लिए हम प्लस का यूज करते हैं और कम के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, तो प्लस 20% है ए का वेतन, तो ये इसकी अगर फ्रैक्शन बात करें तो 1/5, फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 1/5, तो ए का जो वेतन है वो कितना, अगर यहाँ पे ये बी का वेतन है और ये किसका है, ए का अधिक है, ए का अधिक हिस्सा, ए का अधिक है, ये ए का अधिक वाला हिस्सा है, तो ए का जो वेतन है इसका जोड़ आएगा हमारे पास कितना 6, बी का वेतन है 5 और ए का वेतन है 6। अभी ये पूछा हुआ है हमारे से तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ये तो है बी, ये है ए, ए का वेतन 6 रुपये है, ए का वेतन है 6 और बी का इससे कम है, कितना कम है, 1 रुपया कम है, तो 1/ में क्या करेंगे 6 गुणा में 100, तो ये होएगा अपना आएगा काटने के बाद 16 से ही 2/3%। बस इसको क्या करते हैं दोस्तों डायरेक्ट करने के लिए, ये निकला कहाँ से है, यहाँ से अगर प्लस 20% दिया हुआ है तो लिखेंगे प्लस का 1/5, ये जो ऊपर वाला 1 है इसको जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 1/6, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/6, और इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 16 से ही 2/3%। ये है अपनी ट्रिक। दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाई एक्स से 25% ज्यादा कमाता है
तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम कमाता है? दोस्तों क्या दिया हुआ है, दो पर्सन है, एक है एक्स और एक क्या है वाई। अभी दिया हुआ है यदि वाई एक्स से 25% ज्यादा कमाता, मान लेते हैं एक्स जो है वो 100 रुपये कमाता है, एक्स जो है वो कितने कमाता है 100 रुपये कमाता है, और वाई इससे जो है वो 25% ज्यादा कमाता है, 25% 100 का 25% आएगा हमारे पास 25, तो वाई जो है वो कितना कमाएगा 125 रुपये कमाएगा। अभी हमारे से क्यूरी क्या बनी यहाँ पे, तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम कमाता है, एक्स जो है वो वाई से कितने प्रतिशत कम कमाता है 25 रुपये कम कमाता है, 125 माइनस 100 करेंगे तो 25 रुपये कम कमाता है वाई से, तुलना है वाई से तुलना है तो बटे में क्या आएगा 125% के लिए, तो बटे क्या करेंगे हम 125, वाई से तुलना है तो गुणा में क्या करेंगे 100, 25 एक कम 25, 25 पाँच 125 और ये होएगा हमारे पास 25 × 5 × 10 = 20, कितना आ जाएगा 20%। तो x जो है वो कितना कमाता है 20% कम कमाता है किससे, y से, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर हम ट्रिक से करना चाहें, यहाँ पे दिया हुआ है ज़्यादा प्लस 25%, अगर 25% है तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी 1/4 प्लस 1/4, मतलब इस चार के अंदर एक जोड़ देंगे, इस चार के अंदर एक जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा किसका हिस्सा, y का हिस्सा। अगर x 4 रुपये कमाता है तो y कितना कमाता है 5, और x जो है y से कम कितना कमाएगा फिर 1 रुपया किसके ऊपर कमाएगा 5 के ऊपर, 1/5 गुणा में 100, 5 × 10 आएगा कितना 20% आंसर आएगा 20%। डायरेक्ट करेंगे तो 25% फ्रैक्शन अगर यहाँ पे ज़्यादा कमाता है तो प्लस 1/4, इसके अंदर 4 के अंदर 1 प्लस करो तो आएगा 5/5 में आएगा 5, ऊपर जो हिस्सा है वो कितना है 1, तो 1/5 गुणा में 100 आएगा हमारा 20%। तो दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ये अपना कॉन्सेप्ट भी हो सकता है अगर आप इसको अच्छी तरह समझे तो। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी टाइप का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विजय का वेतन रवि के वेतन से 20% कम है तो रवि का वेतन विजय के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों दो आदमी दिए हुए हमारे पास, क्या है एक रवि है और एक कौन है विजय है, दो आदमी हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि विजय का वेतन रवि के वेतन से, किसके वेतन से, रवि के वेतन से, मान लेते हैं रवि जो है वो 100 रुपये कमाता है तो इससे कितना, यदि विजय का वेतन रवि के वेतन से 20% कम है तो विजय का जो वेतन है इससे कितना कम है 20% कम है, 100 का 20% आएगा 20, तो विजय जो है वो कितने रुपए कमाएगा 80 रुपये कमाएगा। विजय का वेतन रवि के वेतन से 20% कम है, रवि को मान लिया हमने कि 100 रुपये कमाता है और इससे 20% कौन कमाता है विजय, तो 100 का 20% आता है हमारे पास 20, तो माइनस 20 करेंगे तो विजय कमाता है 80। आगे क्या पूछता है दोस्तों, तो रवि का वेतन विजय के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, रवि के पूछ रहा है कि रवि के वेतन के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा, रवि के वेतन के बारे में पूछा है कि इससे कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा कितना है, इसका 80 है तो इसका 100 है, 20 ज्यादा है, किसके ऊपर ज्यादा है वो इस 80 के ऊपर ज्यादा है, किससे तुलना करनी है इस 80 से, बटे में करेंगे 80 गुणा में क्या हो जाएगा 100, तो 20 एक कम 20, 20 चौके 80 25, यहाँ पे आएगा 25%। इसका मतलब जो है रवि का वेतन विजय के वेतन से 25% ज्यादा है, अपना आंसर क्या जाएगा 25% ज्यादा, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 20% कम, 20% कम माइनस 20% लिखेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस 1/5, मतलब इस 5 से 1 कम करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4, क्या है विजय का वेतन, अगर ये रवि का वेतन है, ये अगर रवि है तो ये किसका हो जाएगा विजय का, तो अभी जो विजय का जो वेतन है, रवि का जो वेतन है वो विजय से कितना ज्यादा है 1, या इसका कितना कम है 1, अभी ये जो रवि का जो वेतन है विजय से 1 ज्यादा है, 1 जो ज्यादा वो किसके ऊपर है 4 के ऊपर, गुणा में क्या करेंगे 100, तो आएगा 25%, आंसर वही आना है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 1/5 है तो इस 5 से 1 कम क्या लिखा 1/4 गुणा में 100 बराबर आएगा 25%, यही अपना होता है फाइनल आंसर। देख लेते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो दोस्तों दो आदमी हमारे पास, एक है राम एक कौन है श्याम,
राम और श्याम दो आदमी हैं, क्या बोलता है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। तो क्या है, श्याम का वेतन अगर 100 रुपये है तो राम का, मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ अभी, जैसे ये नाम लिखे वैसे करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना कम है, 30% कम है, तो राम का जो वेतन है वो जाएगा 70 रुपये। अभी क्या बोलता है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से, अभी क्या लेना है इसका उल्टा, अभी क्या लेना है इसका उल्टा, तो श्याम का वेतन, श्याम के वेतन के बारे में पूछ रहा है, इसके वेतन के बारे में पूछ रहा है, किसके साथ, राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा, श्याम का जो वेतन है वो राम के वेतन से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, किसके ऊपर ज्यादा, वो इस 70 के ऊपर ज्यादा, बटे में क्या करेगा 70, तो आएगा 3/7, आंसर आ जाएगा अपना 3/7 ज्यादा है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 3/7 गुणा में 100, अगर प्रतिशत निकालना पड़ेगा तो गुणा में 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 300/7। तो सॉल्व करते हैं तो आएगा 7 × 28, 7 × 28 = 14 और 7 × 8 = 56, 42.8% के आसपास, या हम लिख सकते हैं 300/7% क्या है, राम के वेतन से ज्यादा है, किसका वेतन, श्याम का वेतन। ये आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो दोस्तों क्या है, चीनी के भाव में, भाव में जो वृद्धि है, भाव में वृद्धि होती है कितने की, 25% की, कितने की वृद्धि होती है, 25%, मतलब क्या है 1/4, फ्रैक्शन करें तो 1/4 प्लस कितने की वृद्धि होती है, पहले जो भाव था वो कितना था, 4 का था, और अब भाव जो है वो कितने का हो गया, प्लस 4 और 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 का भाव होएगा। तो अभी क्या बोलता है कि इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, क्या बोलता है, यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले, खर्चा जो है वो पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो इसलिए जितना इसका भाव बढ़ा है उतना क्या करेगा, ये खपत कम कर देगा, मतलब एक खपत जो है 1 ग्राम कम कर देगा, किसके ऊपर कम करेगा, इस 5 के ऊपर कम करेगा, क्योंकि भाव कितना हो गया, 5 हो गया, तो बटे में लिखेंगे 1/5 गुणा में क्या आएगा, 100, तो ये आ जाएगा 20%, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 20% क्या है। तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी, यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसको अगर आप तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स को डाउट भी पैदा होता है, तो कैसे करेंगे, एक तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं भाव, यहाँ पे लिख सकते हैं खपत, चीनी का भाव और खपत, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा खर्च। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं चीनी का भाव जो है 100 रुपये है और खपत भी है, मान लेते हैं कितनी है, 100 kg, 100 रुपये के भाव है, 100 रुपये और खपत है 100 kg, तो कुल जो खर्च है भाव गुणा में क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, खर्च जो है वो आएगा हमारा 10,000 रुपये, कितना आएगा 10,000 रुपये। अभी आगे क्या बोलता है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, भाव जो है वो 25% बढ़ता, मतलब 25 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 125, लेकिन खपत पहले जैसी है, क्या बोलता है, अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना, खपत में कितनी, चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी, हमारे को इसकी कमी की बात नहीं बताई है, तो खपत क्या है, पहले जैसे ही हमने रखी, तो अभी जो कुल खर्च है वो कितना हो जाएगा, 125 गुणा में 100 हो जाएगा हमारा 12,500 रुपये, कितना हो जाएगा 12,500 रुपये। अभी खर्च जो है वो कितना एक्स्ट्रा हो गया हमारा, कितना एक्स्ट्रा हो गया 2500 रुपये, खर्च जो है वो 2500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसका मतलब है हमारे को 2500 रुपये कम करना पड़ेगा, 2500 रुपये जो खर्च है वो कम करना पड़ेगा, किसके ऊपर करना पड़ेगा, 12,500 रुपये पे, 12,500 पे 2500 रुपये कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो करते हैं, 25 एकम 25, 25 5 125, कितना आएगा 1/5 की कमी करनी पड़ेगी खर्च में, तो इसका अगर प्रतिशत निकालें तो गुणा में 100, तो आएगा 20%, आंसर क्या जाएगा हमारा 20%। तो इसका मतलब है ये जो खर्च कम हुआ है ये चीनी की खपत में इस परिवार ने क्या करी है, कमी करी है, तो खपत में कमी जो है वो कितनी आ जाएगी, 20%। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको
जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे भी बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।